आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। नई मंडी स्थित भारतीय कॉलोनी में गणपति धाम मंदिर में श्री सिद्धि विनायक गणेश जन्मोत्सव पर्व का विधिवत रूप से हवन पूजन के पश्चात शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव व नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल मौजूद रही, जिन्होंने इस विशाल शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम में पहुँचे मुख्य अतिथियों का समाज सेवी भीमसेन कंसल ने सर्वप्रथम पटका पहनाकर स्वागत किया। इस विशाल शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न तरह की दर्जनों झांकियां व बैंड बाजे मौजूद थे, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखाई दी। यह शोभा यात्रा गणपति धाम से प्रारंभ होकर अपने मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भक्तों ने प्रसाद के वितरण के लिए ताल लगाए, जिसका काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए हुए थे, जो हर समय शोभा यात्रा के दौरान साथ चल रहे थे। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए रोहित त्यागी की रिपोर्ट। गणपति धाम खाटू श्याम मंदिर से शुरू होकर नवीन मंडी स्थल, डाकखाना, जोकिन रोड, भीड़ बाजार, बिंदल बाजार और शहर होते हुए ये अपना रात को वापस आएगी। शिव चौक सराबा बाजार, मोती महल से शिव भगत सिंह रोड, शिव चौक, फिर गांधी कॉलोनी पुल से होती हुई पुरानी गुड़ मंडी रोड होते हुए PNB बैंक पुल के नीचे से होते हुए मंदिर वापस भरतिया कॉलोनी होती